नमस्कार, मैं डॉक्टर मेजर मनोहर सूर्यवंशी, कान नाक गला थायराइड एवं कैंसर तज्ञ, श्री साई हॉस्पिटल उदगीर। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, मतलब तंबाकू खाना, गुटखा, बीड़ी सिगरेट स्मोक करना, उसके अंदर बहुत प्रकार के, नियर अबाउट 40 प्रकार के अलग अलग कैंसर तैयार करना करने वाले कैर्सिनोजेंस रहते हैं। वो अपने सलाइवा के साथ, जो मुंह में लाल है, सलाइवा है, उसके अंदर वो मिक्स होके पूरे जहां जहां सलाइवा डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो ऊपर वाले अपर एयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं हम, जहां तक अपना सांस का रास्ता और खाने का रास्ता जहां तक मिक्स है, साथ में है, वहां तक ये फैला होता है। और जो लोग स्मोकिंग के साथ दारू पीते हैं, तो जो कैंसर्स, कैर्सिनोजेंस जो है, जो कैंसर तैयार करने वाले घटक, वो ज्यादा मात्रा में अपने शरीर में खींच लिए जाते हैं, एब्सॉर्ब होते हैं, एब्सॉर्प्शन पावर बहुत बढ़ ज्यादा बढ़ जाता है। तो दारू पीना स्मोकिंग के साथ और धोखादायक माना जाता है। और ऊपर से वैसे भी हम बहुत प्रकार के जो एनवायरमेंटल कैर्सिनोजेंस है, जो वेजिटेबल्स के द्वारा, जो खेत में उगाई वेजिटेबल्स है उसके ऊपर भी स्प्रे किया जाता है, जमीन के अंदर भी हम बहुत सारे खेती करते टाइम ही बहुत सारे केमिकल्स डाल देते हैं, खत डाल देते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे कैर्सिनोजेंस रहते हैं, एनवायरमेंट में रेडिएशन रहता है। तो ये सब प्रकार के जो कैर्सिनोजेंस है, ये तो हमारे मुंह से शरीर में जा ही रहे हैं, सलाइवा के साथ मिक्स हो रहे हैं और सलाइवा से हमारे पूरे शरीर के अंदर भी मिक्स हो सकते हैं। मुख्यतः ऊपर के अपर एरोडाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो सांस और खाने का रास्ता एक है, वहां तक ये फैला हो जाता है। उससे क्या होगा, जो कैंसर एक जगह होता है, मानो कि जबान का कैंसर हो गया, या जो गाल के अंदर का पार्ट है वहां का कैंसर हो गया, या दांत के बगल वाला सीएएलोलस जिसे हम बोलते हैं वो हो गया, तो उसका अगर आपने ऑपरेशन भी कर दिया है, रेडिएशन भी कर दिया है, तो फिर से कैंसर दूसरी जगह होने की संभावना ज्यादा रहती है। मान लो कि आपने गाल के अंदर का पार्ट का कैंसर है, उसका ऑपरेशन कर दिया, अगली बार कुछ महीने के बाद या कुछ सालों के बाद आपको जबान का कैंसर होने की भी संभावना रहती है। ये क्यों होता है, इसे मेडिकल लैंग्वेज में फील्ड कैंसराइजेशन बोलते हैं। मतलब एक कैंसर तैयार करने वाली एक खेती होगी, फील्ड यानी खेती, जमीन, उसके अंदर पहले से जो कैंसर की पेशी है उसके अंदर बिगाड़ हो चुका है, तो वो बिगाड़ के कारण एक जगह बिगाड़ है, तो उसी कैर्सिनोजेंस सलाइवा के अंदर जाके दूसरी जगह भी बिगाड़ हो जाता है। तो उसके वजह से आपको मुंह के अंदर एक जगह का आपने ऑपरेशन भी कर दिया, रेडिएशन भी ले लिया है, तो दूसरी जगह बिकॉज ऑफ सेलुलर डैमेज, जो म्यूटेशन होता है सेल्स के अंदर, उसकी वजह से दूसरी जगह भी कैंसर होने की संभावना रहती है।